that, right? Yes, sir. This oblique that, this line is called oblique. So this oblique that, is it clear? Yes. Now, just I have written their meaning also. This means ya. This means ya. And that means wa. Now the question is going to arise, where to apply this and where to apply that, right? Yes. Now, this for the nearest thing that we can touch easily. This का प्रयोग करेंगे उन सब सामानों के लिए जिसे हम आसानी से छू सकें और that का प्रयोग करेंगे for the farthest thing जो हमसे दूर है जिन्हें हम आसानी से ना छू सकें, right? अच्छा, one more thing, ये दोनों word इस्तेमाल करेंगे एक चीज के लिए. इतने सारे बच्चे तो नहीं बोलते this is one, right? This or that, both of the words can be used for one thing, एक चीज के लिए बोलेंगे, right? एक बच्चा होगा this is boy बोल सकते, एक बच्चा होगा दूर है that is boy बोल सकते, लेकिन एक से ज्यादा होंगे you cannot apply this or that, right? Now, just on the basis of this or that, you have to make sentence. Here rule is written, this oblique that plus is plus complement. The meaning of complement is pura, right? Yes. Ab is line pe aap bolenge 100 sentences. So firstly write down at home, ghar pe aap 100 sentences likhe baithiye. After writing 100 sentences, you have to start speaking because this topic is going to give us the speed of speaking 250 words per minute. 250 शब्द पर मिनट बोलना आ जाएगा अगर हम इस फार्मूले के हिसाब से चले तो, राइट? नाउ तो फार्मूला क्या कहता है कि दिस और दैट में से कोई एक ले लीजिए, इज ले लीजिए एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट मींस समथिंग व्हिच कंप्लीट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. जिसको लगाने से सेंटेंस कंप्लीट होता हो इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. तो आप क्या करेंगे घर पे जाकर के 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक काउंटिंग कर देंगे. उसके बाद दिस इज 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 ऐसे करके 100 टाइम लिखेंगे, राइट? आफ्टर राइटिंग 100 टाइम, नाउ लुक व्हाट आर द थिंग्स अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द में क्या क्या चीजें हैं उनमें से कलेक्शन करिए एंड जस्ट एड आफ्टर दैट. तो आपने दिस इज पहले से लिख रखा था, आपके घर में बेड है तो लगा देना दिस इज बेड, राइट? तो दिस इज ऑलरेडी रिटन और बेड आप उसकी बढ़ा देंगे, वन सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड. इन दिस वे सेवरल आइटम्स आर देयर एट होम, तमाम सारी चीजें हैं. The only thing is that we have to pick up from there and we have to keep in our mind. Once in a while, everything wrong, right? Ab kya hoga? Now, after completing 100 lines, you have to start speaking. So, aap kya karenge? Just this or that means koi ek lena tha, to ek ho gaya, fir ek ho gaya, fir ek ho gaya. It means one line is equal to 3 words. Ek line mein 3 words ho rahe, right? Yes. Aur hume bolna seekhna hai 250 words per minute, right? Yes. So, aapne kya karenge? Ek line barabar 3 shabd. अब चेक करिए कि हम एक मिनट में कितना बोल पा सकते हैं, राइट? नाउ देयर इज अ वॉच हियर. अब आप क्या करेंगे, जस्ट वन स्मॉल हैंड इज देयर, उसे हम सेकंड का हैंड बोलते हैं. वो सेकंड की हैंड हमारी आ रही है 6 पे, राइट? यस. अब 6 पे हम शुरू करते हैं. नाउ दिस इज पेन, दिस इज बॉल, दिस इज शॉट, दिस इज चेयर, दिस इज बाइक, दिस इज मोबाइल, दिस इज फैन, दिस इज ट्यूब, दिस इज बल्ब, दिस इज स्टिकर, खुलेगा सी. अब ऐसे करते करते आप चेक करिए कि इन 1 मिनट हाउ मच सेंटेंसेस यू कैन स्पीक, राइट? So how many sentences we can speak? This we have to find out just standing before a watch. तो आप घड़ी के सामने खड़े हो जाएंगे और चेक करें कि कितने sentences बोल पाते. So it is likely that you can speak 10, 15, 20, 30, 40, whatever sentence. ठीक है? जितना बोल सकने लायक हम उतना बोले लेंगे. ठीक है? There's no pressure. You have to speak 100 sentences. ये pressure नहीं है कि you have to speak 100 sentences. Just you have to write down all the 100 sentences. और आप क्या करेंगे? अब आप बोलना शुरू करें. So just 1 minute, how many sentences? This you have to find out. राइट? यस. अब आपका काम क्या होगा कि 1 मिनट लीजिए, हो सकता है 10, 20, 30, 40 व्हाटएवर सेंटेंसेस यू कैन स्पीक पता चल जाएगा. फॉर द सेकंड टाइम, फॉर द थर्ड टाइम, फॉर द फोर्थ टाइम, ये ऐसे हम कैरी ऑन करेंगे, राइट? अब हम एक यूजुअल फार्मूला बनाते हैं. 1 लाइन इज इक्वल टू 3 वर्ड्स. अगर हम 40 बोल पाते हैं तो 40 × 3 इज इक्वल टू 120, यानी कि 120 शब्द पर मिनट बोलेंगे. हमने 5 आपको बोनस दे दिया, तो टोटल 125, राइट? Now, this 125 is equal to this 250 means 50%, right? Yes. So now, it means एक दिन का effort, एक बार अपनी कोशिश करी, एक बार अपनी preparation करी, और एक बार trial किया, और 50% का improvement हो जाएगा, right? Yes. If we have the same thought in us, अगर वही ख्याल हम रोज लेके आते हैं कि ना, I have to gain speed while speaking, हमें बोलते समय speed चाहिए, so in few days, you will see miraculous result will come. एक जादू ही रिजल्ट आएगा आप में और आपकी स्पीड बड़ी अच्छी हो चुकी है, राइट? इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीड व्हाइल स्पीकिंग, और बोलने से पहले हमें चाहते हैं कि हमारा स्पीड अच्छा हो जाए, सो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस फार्मूला एंड यू विल सी दैट मिरेकुलस चेंजेस कम.
तो डे बाय डे हमारा काम क्या होगा कि अभी आप पहला यानी कि ये वाला कोर्स का 10 टाइम प्रैक्टिस करना हर एग्जाम में, और कल से लेके रेस्ट ऑफ द डेज पूरे दिन क्या करना होगा कि पहले पन्ने से आखिर तक के कोर्स को हर एग्जाम में पढ़ें, ठीक है। तो आपने शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट स्टार्ट, आपको शुरू करना है, लेट्स सी हियर द second hand is here. Good morning friends, myself Niyazuddin is standing in front of you for the topic of the Taj Mahal. So please listen to me. Well, the Taj Mahal is a famous building. It is situated in Agra. It was built by Shah Jahan in the sweet memory of his beloved king Mumtaz Mahal. It's a symbol of love. After that, stop plus BNG, for example, stop playing, stop reading, stop writing. After that, question answer, what is the meaning of famous? The meaning of famous is Prasidh. What is the spelling of famous? The spelling of famous is F-A-M-O-U-S. What is the translation of तुम कौन हो और चाहते क्या हो? The translation of तुम कौन हो और चाहते क्या हो is who are you and what do you want? Sorry, I don't know. Please tell me. After that, what to be? For example, are you teacher? Yes, I'm teacher. No, I'm not teacher. Are you doctor? Yes, I'm doctor. No, I'm not doctor. After that, self introduction. I'm Niyazuddin Ansari. I'm a student of class 12. I live in Udna and I'm in Padrauna. I want to become a teacher. That's all. After that, Antakshri. A for assist, the meaning of assist is madad karna, the spelling of assist is A-S-S-I-S-T and the last is T. After that, imperative sentence, the meaning of imperative sentence is agya suchak vakyam, the spelling of imperative is I-M-P-E-R-I-T-M-P-E. The imperative, the Hindi of imperative sentence is agya suchak vakyam, it is always used for the people who are in front of us. Now, if the subject is 100% you, but it is always hidden, and the three things are there in imperative sentence, order, request, and voice. And the last, the Hindi sentence of imperative notes ends with A, O, Y. The common rule for imperative is B1 plus object, and the examples are sit down, come here, go there, talk to me. That's all. Thank you. Okay? Kitana, please.